अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं अर्न विद शफीक। दोस्तों, आपके लिए मैं आज ऐसा कॉइन लेकर आया हूं जो कि बिनांस पर लिस्ट होने जा रहा है। ऑल मेजर एक्सचेंजेस पर वो लिस्टिंग होने जा रही है उस कॉइन की, और उस कॉइन के बारे में रिसेंटली जो इलन मस्क ने भी इशारा दिया है कि वो कॉइन बहुत ऊपर जाने वाला है। ऑलरेडी उसके एक इशारा देने पर, इलन मस्क के जस्ट ट्वीट करने पर उस कॉइन को लोग बाय करी जा रहे हैं और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। वो क्यों ऊपर जा रहा है? वो के यू कॉइन पर भी उसकी लिस्टिंग होने जा रही है, लेकिन बिनांस का भी कहा जा रहा है कि वो ऊपर जा रहा है। उस कॉइन का नाम मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ऐसे अफराद जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी रही बात, मुझे काफ़ी लोगों ने इसरार किया कि नहीं, आप क्रिप्टो करेंसीज की ही वीडियोस बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कभी कभार बना दिया करें। ये भी तो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है कि आप लोगों को बताते हैं कि आप ये वाला कॉइन में अगर एंट्री डालेंगे तो रहेगा, सही रहेगा, उनको प्रॉफिट होता है, आपकी वीडियोज़ से फ़ायदा होता है, तो आप इसको लाजमी जारी रखिए। तो मैंने सोचा चलें ठीक है, मैं जारी रखता हूँ, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन पर 100% रिलाय ना कीजिएगा। आप अपनी रिसर्च करके, हर वीडियो में बताता होता हूँ मैं, आप अपनी रिसर्च करके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सही है। मैं आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेट करता हूँ बैठ के यहाँ, और मैं आपको अभी भी एजुकेट कर रहा हूँ कि एक ऐसा कॉइन है जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो बिनांस पर भी लिस्ट होने जा रहा है, लेकिन के यू कॉइन ने तो कन्फर्म कर दिया है कि कल 17 फरवरी 2023 को वो के यू कॉइन पर लिस्ट होने जा रहा है, ट्रेडिंग ओपन होने जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी बिनांस की, तो उसके बारे में अभी न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन बिनांस ने ऑफिशियली तौर पर इसको अभी अनाउंसमेंट नहीं की, क्योंकि अभी थोड़ा सा सोच रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर ये है, ज़राए की खबर ये है कि ये बिनांस पर भी लिस्ट होने जा रहा है। बिनांस के साथ साथ कॉइन बेस पर भी ये लिस्ट हो जाएगा। वो कॉइन ये फ्लोकी, ठीक है, फ्लोकी इनो। आप इससे जो है वो बेखबर तो नहीं है, नाम तो आपने सुना होगा, मीम कॉइन है ये वाला, ठीक है। इसके लास्ट 24 आवर्स में आप देख सकते हैं ये कितना अप गया है, और ये अपना ये सिफर तोड़ने जा रहा है, ये अनकरीब 24 आवर्स या 48 आवर्स में ये एक अपना सिफर ये भी तोड़ देगा। 68% ये अप जा चुका है लास्ट 24 आवर्स में। और क्यों? क्योंकि इलन मस्क का हम ट्विटर खोल लेते हैं, तो ये देखिए इलन मस्क का ट्विटर खोलें, तो दो दिन पहले उसने ये ट्वीट की, ये देखें ये वाली ट्वीट जो की थी, ये देखें ये वाली जो ट्वीट है इसकी, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ट्विटर का उसने कहा था कि सीईओ अब ये कुत्ते को बिठा दिया था, ये देखें, तो उसने कहा था कि सीईओ अब ये होगा इसका न्यू सीईओ, ठीक है। तो इससे क्या जाहिर होता है, ये देखें ये वाली ये लोगों ने वीडियोज़ बनाई हुई हैं पहले, लेकिन मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि जैसे डॉज कॉइन पर की हमायत करता था इलन मस्क और डॉज कॉइन काफ़ी ऊपर चला जाता था, ऐसे अब फ्लोकी या शिबा इनू, ठीक है, फ्लोकी या शिबा इनू, इनकी वो हमायत कर रहा है। और ये देखें ये उसने एक ट्वीट की थी इलन मस्क ने, और आपके सामने उसने एक कुर्सी पर एक डॉग को बिठा कर और उसकी तस्वीर ले ली थी, और उसने ये स्टाइल भी दिखाया था। तो ऐसे काफ़ी इलन मस्क ने करता रहता है ऐसे। ये देखें, द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर इज़ अमेजिंग है सीईओ, इसलिए लोगों ने इसमें धड़ाधड़ बाइंग शुरू कर दी, और ये पाकिस्तान में ट्रेंड में भी रहा है कुछ देर पहले, तो इसकी प्राइस इसलिए इंक्रीज़ हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है लास्ट 24 आवर्स में, ये काफ़ी हाई गया है और उसके बाद ये डाउन आया है। अब मज़ीद ये क्या करेगा? आपने अगर एंट्री लेनी है तो कहाँ से लेनी है? 64% तो ये ऑलरेडी अप है, लेकिन आप एंट्री लेनी है तो कहाँ से लेनी है और किस एक्सचेंज पर लेनी है, यही मैं आपको बता दूँ। एक्सचेंज पर पैनकेक स्वैप, यूनी स्वैप, ओके एक्स, यूबी ग्लोबल, ये डॉट आर, ये बड़े बड़े एक्सचेंज पे ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, आप अकाउंट बनाएं और यूएसटी यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करें और जाके इसको बाय कर लें, ठीक है। तो ऑलरेडी वहाँ है,
लेकिन आप इसका थोड़ा सा नीचे आने का वेट करें, अभी फट क्रिएट हुआ हुआ है, थोड़ा सा ऊपर ये जाई जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आपको नज़र आए तो ले लें, लेकिन इधर से भी लेना चाहें तो आप 10-15-20 डॉलर की यहाँ आप बाय कर सकते हैं। इसने लिस्ट भी होना है, KU कॉइन पर भी होना है, इसने बिनांस पर भी होना है, इसने कॉइन बेस पर भी होना है, ये मैं आपको बता दूँ, सही है। इसकी प्राइस इंक्रीज होनी ही होनी है, इसने सिफर तोड़ नहीं तोड़ने हैं, ये दो सिफर तो ये इजीली तोड़ देगा अगर ये दोनों तीनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाता है, KU कॉइन, बाइनांस और उसके बाद लास्ट है कॉइन बेस पर। ये दो सिफर तोड़ना मामूली सी बात हो रही, इतने बड़े बड़े वहाँ ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, इतना पैसा है उनके पास कि वो आप वो देखना कैसे इसको फ्लोकी को बाय करते हैं। तो ये फ्लोकी कॉइन है जो कि बिनांस पर लिस्ट होने जा रहा है, सुनने में आ रहा है। बाकी बिनांस अगर अनाउंसमेंट करेगा तो आप देख लेंगे, ये हाइप इसीलिए क्रिएट हुई हुई है कि ये यानी कि बिनांस पर लिस्ट होने जा रहा है। KU कॉइन पर तो कन्फर्म है कल इंशाल्लाह हो जाएगा, इसके बाद जैसे ही बिनांस पर हुआ तो कॉइनबेस पर भी हो जाएगा, इसलिए इसको आपने अपनी नज़रों में रखना है, जैसे आपको ये नीचे मिले तो आपने इसको बाय कर लेना है। मेरी प्रिडक्शन सही भी हो सकती है, मेरी गलत भी हो सकती है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी प्रिडक्शन पर आप ना रहिएगा। इसने ऑल टाइम हाई नवंबर 4 को जब मार्केट फुल बुलिश मूड में थी 2021 नवंबर 4 2021 को इसने 3-0 लगाया था, जो कि मुझे अब तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसकी लिस्टिंग हो जाती है न्यू एक्सचेंज के ऊपर, जैसे बाइनांस है, KU कॉइन है, कॉइन बेस पर, तो ये हाई इसके लिए तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी, सही है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है, लेकिन बस फंड होगा, लोग सस्ता कॉइन है, लोग 100-100 डॉलर का भी ले लेंगे, 50-50 डॉलर का भी ले लेंगे, 15-15 डॉलर 20-20 डॉलर का भी बाय करके रख लेंगे, इसलिए हर बंदे की पहुंच में है और लोग इजीली ऐसे कॉइन्स को ख़रीदते हैं। जैसे डोज कॉइन था, वैसे शिबा इनू था, वो भी अप गए थे, पहले इतने ही सिफर्स में थे, ऐसे फ्लोकी के भी एक 2,32,550 वॉच लिस्ट में लोगों ने इसको रखा हुआ है, अलर्ट भी इसका हुआ हुआ है। कॉइन अच्छा है, बेहतरीन है, गेमिंग से रिलेटेड है, मीम्स कॉइन्स भी है, मेटावर्स भी है, यानी कि तमाम टैग्स इसमें आ जाते हैं। तो ये था आज का कॉइन फ्लोकी कॉइन, ये बिनांस पर लिस्ट हो सकता है, कॉइन बेस पर भी हो सकता है, KU कॉइन पर भी है। तो अभी देखें नेक्स्ट क्या होता है, बहरहाल ये अगर आपने बाय करना है तो उसका डाउन आने का वेट करें, बाकी मेरी प्रेडिक्शन से आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो न्यू लिस्टिंग अनाउंसमेंट कर दी है इसने KU कॉइन ने, मेरा ख्याल है बिल्कुल जी बिल्कुल अनाउंसमेंट उसने कर दी है, कल की अनाउंसमेंट की हुई है, न्यू लिस्टिंग रियल फ्लोकी इनू, ठीक है, फ्लोकी गेट्स लिस्टेड ऑन KU कॉइन, फ्लोकी USDT में भी कर सकेंगे आप ट्रेड और फ्लोकी USDC में भी, डिपॉजिट ओपन ट्रेडिंग जो है ना वो 9 AM ऑन February 17 जो है ना 2023 को UTC के, मीम कॉइन है, मेटावर्स है, DeFi भी है, और इसको वो अनाउंसमेंट उन्होंने ये ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट की गई है। और अगर आपको नहीं पता तो आप इधर जाएं, ये ट्विटर पर जाएं और जाकर आप इसका KU कॉइन का आप अकाउंट आप ओपन करके दे सकते हैं। ये न्यूज़ मैं अगर आप सोचेंगे कि खुद से शायद कह रहे हैं KU कॉइन, ठीक है, KU कॉइन अगर आप लिखेंगे तो ये इनकी ये आप पहले ही आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, ये देखें सॉरी ये तो 10 मिनट पहले की है, लेकिन आप कल की इनकी न्यूज़ हम देख लेते हैं, नीचे जाके ये पड़ी होंगी, और थोड़ा सा नीचे जाएं एक दिन पहले की जब आएगी तो आपको नज़र आ जाएगी। ये देखें अभी आने वाली है, ये देखें 15 फरवरी और न्यू लिस्टिंग, ये देखें न्यू लिस्टिंग 15 फरवरी, कल 15 फरवरी थी ना, रियल फ्लोकी इनो फ्लोकी गेट्स लिस्टेड ऑन KU कॉइन पेयर्स, ये वाले पेयर्स लिस्ट होंगे और डिपॉजिट ओपन नेटवर्क ERC-20 में और BEP-20 में, ये आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं USDT में के वॉलेट हैं ये, ट्रेडिंग 9 AM ऑन February 17, 2023 UTC टाइम के मुताबिक, ये देखें ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, सही है, इसलिए इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है और ये ऊपर जा रहा है, मज़ीद ये ऊपर जाएगा, ठीक है, अभी ये मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि आज का दिन पूरा पड़ा हुआ और कल भी आधा दिन पड़ा हुआ है, मज़ीद ऊपर जाएगा, इसलिए अगर आपके पास एक्सचेंजेस के अकाउंट है जिसमें ये लिस्टेड है वहाँ बाय करके रख लें, जैसे ही ये ऊपर गया आप इसको KU कॉइन पर जैसे लिस्ट हुआ इसको सेल आउट कर दें, अपना जितना प्रॉफिट होगा लेकर साइड पर हो जाएगा। अगर आपको फिर नीचे नज़र आए फिर बाय कर लें क्योंकि नेक्स्ट इसने बिनांस पर जाके लिस्ट होना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।